नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभास साक्षी न्यूज नेटवर्क में, हूँ आपके साथ सत्यम तिवारी। 2019 साल का आखिरी महीने का आखिरी दिन है और इस साल कुछ अनोखी चीजें होने वाली है दिल्ली में, जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव। इस ठंड में 119 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ा और यहाँ के मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट को बंद कर दिया गया है। इन सभी अनोखी चीजों पर आइए लोगों से बात करते हैं कि लोग इस नए वर्ष को किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिल्ली के कौन कौन से जगह पे जा रहे हैं, क्या क्या अनूठी चीजें अपना रहे हैं, इन सभी चीजों पर ये लोगों की राय जानते हैं और उनसे बात करते हैं। ऐसा डीएमआरसी ने बताया कि 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट बंद कर दिए जाएंगे, उस पर लोगों की राय जानते हैं आखिर क्या है। जी, एग्जिट गेट बंद करना डीएमआरसी का क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सही डिसीजन लग रहा है मेरे को, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि सीपी जो है यहाँ पर रात में बहुत ज़्यादा लोग भीड़ इकट्ठी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लोग। हाँ, सेलिब्रेट करना ठीक है, बट अगर लिमिट में करो तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो अब तक क्या कहना है इस पर? ठीक है, अगर सरकार ने कुछ ऐसा स्टेप लिया है तो किसी मतलब अच्छे के लिए लिया होगा, कि मतलब पहले जैसे दिक्कत आती होगी लोगों को तो अब थोड़ी कम आएगी, तो अगर इस बार कोई दिक्कत नहीं आती है तो अगली बार से मतलब ऐसा बंद नहीं किया जाएगा। जो देखिए, बेसिकली जब सीपी का मेट्रो स्टेशन बंद हो जाएगा तो आप ऑटो ले सकते हैं, ऑटो एक अच्छा बेनिफिट है, और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, कुछ भी जैसे बसेस हो गई और टैक्सीज हो गई, ये चीज़ अवेलेबल रहेंगी, तो कोई वैसे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। तो ऐसा क्यों करना पड़ा कि सीपी का ही जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, इसका एग्जिट गेट बंद करना पड़ा? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो है क्राउड कुछ ज़्यादा हैवी हो जाता है नाइट में, तो हैवी क्राउड होने की वजह से कुछ घटना ना घट जाए, ये सरकार हमारे अच्छे भलाई के लिए सोचती है। जो पुलिस वालों ने सोचा है वो हमारी भलाई के लिए सोचा है। क्या रहा है आपकी ये मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट बंद कर? ये मेट्रो स्टेशन सही करा बंद कर दिया, क्योंकि मेट्रो स्टेशन चालू करते तो क्या नाम है आबादी बहुत मतलब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती, अब लोग क्या है उससे आएंगे अपनी गाड़ी से आएंगे, ऑटो से आएँ तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ज़्यादा मतलब हो भी नहीं पाएगी, है ना, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे रात को क्या शायद बैरिकेड भी लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। सही क्या वैसे बंद करके, क्योंकि यहाँ से मेट्रो कहीं से कनेक्ट होती है, इससे भीड़ ज़्यादा होती है यहाँ पर, और ट्रांसपोर्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गई, बसेस हो गई, ऑटो हो गई, इसमें जा सकती है। सबसे बड़ी बात है आज मंगल पड़ गया है 31st को, तो आज हम लोग को मंदिर जाना है, आज कोई वहाँ नहीं, किसी बार में किसी डिस्को में नहीं जाना होगा, सीधे मंदिर जाना होगा हम लोग को सेलिब्रेट करना है। सेलिब्रेट कहाँ करते हैं दिल्ली के कौन से जगह में? मैं दिल्ली फर्स्ट टाइम आया हूँ जॉब, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट न्यू ईयर दिल्ली के अंदर होगा, देखता हूँ कैसा रहता है मेरा न्यू ईयर। अच्छा, मेट्रो की सवारी करते हैं? हाँ जी, मेट्रो करता हूँ, आज पता चला मेट्रो 9 बजे के बाद बंद हो रहा है राजीव चौक, बड़ी दिक्कतें आ रही हम लोग को यहाँ पे आने जाने में। तो बंद करना सही है? मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम लोग को आज तो कम से कम 12 बजे तक तो खोलना चाहिए हमको मेट्रो, क्योंकि जो पब्लिक है हम लोग जो इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको घर जाने के लिए इजिली आराम से घर जा सकते हैं 12 बजे तक, क्योंकि 12 बजे उसके बाद जो न्यू ईयर लगता है हमारा। न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं आप इस साल? बिल्कुल कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कुछ मीडिया में आज तक में दिखा रहे हैं शाम को 4 बजे के बाद और ठंड बढ़ जाएगी, वो तो बहुत खुशी का। ठंड तो 119 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी है और इस नौ वर्ष पे इस ठंड का माहौल तो कुछ और ही जाहिर कर, बहुत खुशी की बात है। लोग वहाँ शिमला जाते हैं, अब तो दिल्ली में ही यहाँ पे सीपी बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, थोड़ा हल्के हल्के पैक मारेंगे और इंजॉय करेंगे, खाना वाना अच्छे अच्छी तरह बनाएंगे, बढ़िया। 9 बजे बंद हो जाएगा, इसके पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे, पर इंजॉय ऐसा नहीं जो बदतमीजी करें, अपने आराम से इंजॉय करें, आराम से घूमें फिरें, रात के 12 बजे करें, पर ऐसा बदतमीजी का तो पुलिस वाले फिर तो बोलेंगे ही, आप बेचारा किसी को नुकसान पहुँचाओगे, किसी को गलत छेड़ोगे, गलत गलत करोगे। हाँ, इंजॉय करने के लिए अब नया साल आ रहा है, उसे इंजॉय सबको मिल के रहो, आराम मिल के बनाओ, और आप गलत करोगे, किसी को गलत छेड़ोगे, लड़ाई जंगा करोगे तो फिर पुलिस आपको सर। इस ठंडी कड़ाकेदार ठंड में तो फिलहाल घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है, और ये तो हमने अभी पिछले 2-3 दिनों से स्टोरी चल रही है कि 119 साल हुआ है, कि इस बार 2014 में एक बार पड़ी थी और एक बार 1998 या 1997 में पड़ी थी ठंडी, तो मुझे लगता है कि पूरे तो जितना भी मतलब नॉर्थ एरिया जितना भी है पूरा ठंड से इस बार त्रस्त है। कश्मीर में सबसे ज्यादा बर्फ पड़ी हुई, हिमाचल में पड़ी हुई है। तो इस ठंड को पर्व के रूप में मना रहे हैं या इससे कहीं लग रहा है कि परेशानी उत्पन्न हो रही है? सर, परेशानी क्या मतलब, जैसे मेरी तो ड्यूटी खुद ही ठंड में ही है, तो मैं मतलब
मुझे तो मालूम आने में कश्मीर पिछले 7 साल से हूँ, तो मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल वो मौसम लग रहा है जैसे कश्मीर का मौसम इतना बढ़िया लग रहा है दिल्ली में। अच्छा। अगर कोई घूमने जाना चाहे कश्मीर तो उससे बेटर है वो अपना दिल्ली घूम ले। हाँ, सिर्फ बर्फ़ की कमी है दिल्ली में, बाकी और की कमी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ तो बर्फ़ पड़ जाए तो उसके बाद अपना कश्मीर शिमला हिमाचल जाने की जरूरत नहीं, अपना दिल्ली सबसे बेस्ट है। पहली बार आए हैं दिल्ली, क्राउड सुना था हमने दिल्ली का बहुत अच्छा होता है कि वहाँ का न्यू ईयर सेलिब्रेशन अच्छा होता है, तो हमने कहा एक बार हम भी देखाते हैं। तो हम थोड़ा भी घूमे सुबह से, थोड़े मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखे हैं, थोड़ा किला प्लेस वगैरह देखने आए थे। नहीं, ठंड में अच्छा लग रहा है क्योंकि अच्छा है कि अच्छा थोड़ा वैसे हिल स्टेशन वाली फीलिंग यहीं पर ही आई जा रही है, तो इसलिए बढ़िया यहाँ पे अच्छा काफ़ी सीन है, बहुत बढ़िया फील हो रहा है। अच्छा है, मतलब दिल्ली बहुत सुंदर प्लेस है, मैं पहली बार आया हूँ दिल्ली एंड बहुत काफ़ी फॉरनर्स भी देखे मैं जैसे कि रेड फोर्ट में गया, बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत अच्छा प्लेस है। दिल्ली आए, दिल्ली आके इसके इंडिया गेट जाएं, रेड फोर्ट जरूर जाएं, बहुत बढ़िया प्लेस है, अंदर से बहुत बड़ा, मतलब जयपुर के जो पैलेसेज हैं उससे ज़्यादा बढ़िया है। आपने देखा है कि यहाँ पे लोग इस उमंग के साथ, नए उल्लास के साथ इस नववर्ष को मनाना चाह रहे हैं। दिल्ली ही नहीं अभी तो भारत के अनेक राज्यों से यहाँ पे लोग मनाने आए हैं, और इस बार इस दिल्ली के ठंड भी इसे नववर्ष को अनोखा बना रही है, और साथ साथ में इस विधानसभा चुनाव को भी लेके इसे लोग उत्साहित के रूप में देख रहे हैं। और आप प्रभास साक्षी देखते रहिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन शुभम यादव के साथ प्रभास साक्षी, दिल्ली।